आप सबसे अभिनंदन, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाई बहनों, जब मैं प्रयागराज की धरती पर आता हूं तो भाइयों बहनों मुझे यहां की संगम नगरी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के इस मिलन केंद्र संगम को बारंबार प्रणाम करने की इच्छा होती है। भाइयों बहनों, दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर खोला था, और यही नहीं महर्षि वाल्मीकि की भी पावन भूमि लालापुर यहीं पर है। और भाइयों बहनों, भगवान राम और निषाद राज की मिलन की भूमि भी इसी प्रयागराज में है। इतनी पवित्र भूमि, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब प्रयागराज के नाम से लोग डरते थे, बड़े बड़े माफियाएं इकट्ठे हो गए थे, गरीबों की जमीनों को हड़पने लग गए थे। और भाइयों बहनों, तब 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर जो कार्य किया है, ये चुनाव उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम बना है। भाइयों बहनों, याद करिए आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, नौजवानों के रोजगार के साथ खिलवाड़ हो रहा था, गरीबों को राशन नहीं मिलता था, और चारों ओर अव्यवस्था का बोलबाला था। महोत्सव के नाम पर केवल सफाई महोत्सव होता था, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी।